डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैनंदन कुमार ठाकुर फ्रॉम politichub.com। स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि टॉस के बारे में चर्चा करेंगे। और टॉस के बारे में इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि यूनिएक्सियल के कारण लोडिंग में जो प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो क्या होगा। आज हम देखेंगे कि जो बाईएक्सियल इसेंट्रिसिटी के कारण जो लोडिंग आएगा उसमें प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे। मतलब कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले ये हैं कि ये जो मेरा केस है, ये केस कैसा है, ये केस इसमें ऐसा कोई बॉडी है और पी लोड यहाँ लग रहा है ना पी, तो ये जो केस है, ये केस है बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी का। किसका? बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी का। छात्रों, ये जो बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी का केस है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डायमेंशन है ई एक्स हो जाएगा, जो कि 25 सेंटीमीटर का है, और ये जो डायमेंशन है वो ये क्या हो जाएगा, ई वाई इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसीलिए यहाँ पर देख पाएंगे क्योंकि ये जो है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और आपको ये जो दिख रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि आ रेक्टेंगुलर पियर इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड ऑफ 450 किलोन्यूटन एज शोन इन फिगर, फाइंड द स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑन ऑल द फोर एजेस ऑफ द पियर। स्ट्रेस इंटेंसिटी फाइंड करना है जो पियर है उसके हर एक एज पे। चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए जिसमें दिया क्या क्या गया है। गिवन दिया गया है जो मेरा लोड है पी इक्वल्स टू कितना न्यूटन का है, 450 किलो न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, एंड ई एक्स की जो वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, आप फिगर से देख सकते हैं। ई वाई की जो वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो भी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन भी दिया गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका हम क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के मदद से हम यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया। देन एरिया जो हो गया स्टूडेंट्स, यानी सी एस एरिया जो हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 150 इक्वल्स टू 15 × 000 यानी 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में ही है, इसको हम सेंटीमीटर में ही रखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए, हम लोग जब इसका थ्योरी पढ़ रहे थे, उस केस में मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला था कि जो स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी सिग्मा रिजल्टेंट स्ट्रेस की, वो हो जाएगी क्या, सिग्मा डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस कोई इसेंट्रिसिटी। अगर ई एक्स है तो ई एक्स के कारण जनरेट होने वाला बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब कि जो ई एक्स के कारण जनरेट होने वाला बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, वो लिखना था। मतलब कि हम लिखते एम बाई आई इंटू एम बाई आई इंटू वाई मैक्स, और इस एम जो होगा वो उसमें क्या हो जाता था, दो तरह था, यानी कि डब्लू अगर ई एक्स इसेंट्रिसिटी के कारण, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्लू इंटू ई एक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि लोड इंटू, यानी कि अगर यहाँ पर लोड की वैल्यू अगर पी है तो इस डब्लू को ना लिखकर पी लिखिए, पी इंटू ई एक्स, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वाई मैक्स है ये, और ये आई हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर आप इसके इसमें क्या निकाल रहे हैं, इसेंट्रिसिटी ई एक्स के द्वारा जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो निकाल रहे हैं, तो इसेंट्रिसिटी ई एक्स ये है। तो जब आप इसके द्वारा जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहेंगे इसके लिए, तो आप क्या, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि आई वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, और जो वाई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं आई वाई वाई, और वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा ये तो इसेंट्रिसिटी ईएक्स कारण बेंडिंग स्ट्रेस था, जिसकी नेचर कभी प्लस भी हो सकती है और कभी माइनस भी हो सकती है, हम लोग उसको देखेंगे इसी प्रॉब्लम में आगे। अब उसके बाद एक और था प्लस माइनस इसेंट्रिसिटी, अगर वाई एक्सिस के अलावा जो इसेंट्रिसिटी है ई वाई, उसके कारण भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट किया जाएगा। तो ई वाई आप देख पा रहे हैं, ये इसेंट्रिसिटी के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट किया जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पी इंटू ई वाई, क्या हो जाएगा पी इंटू ई वाई एंड डिवाइडेड बाय आई। अगर वाई एक्सिस ये जो है वाई एक्सिस के अलावा इसेंट्रिसिटी ले रहे हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो आई एक्स एक्स डैश हो जाएगा, ये आई वाई वाई डैश था, ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटू वाई मैक्स। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ जो इस केस में जो हम वाई मैक्स लेंगे वो ये वैल्यू होगा, ठीक है, क्या होगा ये वैल्यू होगा, और इसमें जो हम वाई मैक्स लेंगे वो ये वैल्यू होगा, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में कभी हम लोग प्लस भी यूज करेंगे, कभी हम लोग माइनस भी यूज करेंगे। अब कब प्लस यूज करेंगे कब माइनस यूज करेंगे उस चीज़ को समझेंगे हम लोग। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं हाईलाइट, और इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं सिग्मा डायरेक्ट, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स पी वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो बहुत आसान है सिंपल है, तो 450 किलोमीटर है, इस किलोमीटर में यही रहने दीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो जाएगा, तो ये क्या 450 किलोमीटर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको फटाफट कैलकुलेट करो, तो फटाफट कैलकुलेट करो क्या आता है, और चलिए इस क्वेश्चन को मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है तो फटाफट करो कैलकुलेट करो क्या आता है इसको, 450 डिवाइडेड बाई 15,000 मीन्स इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.03 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग याद रखेंगे, क्या करेंगे याद रखेंगे, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 2, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू क्या है, मतलब कि ये है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ई एक्स के कारण, वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा प्लस माइनस पी इंटू ई एक्स डिवाइडेड बाई आई वाई वाई डैश इंटू वाई मैक्स। इसकी जो वैल्यू आप निकालने चलो तो प्लस माइनस वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू किलोमीटर में ही रखना, तो 450 किलोमीटर है 450 लिख दिया, इंटू ई एक्स की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर रख दिया है ना, तो और इसके अलावा इसमें हम यूनिट लिखते जाते ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, 450 किलो न्यूटन इंटू ई की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर इंटू वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हम लोग अभी भरेंगे, और आई वाई वाई की जो वैल्यू भरेंगे, यहाँ पर जो वाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए हम एसेंट्रिसिटी ई एक्स कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज वाई जो मेरा वाई मैक्स होगा ये होगा, कहने का मतलब ये जो सेंट्रोइडल फाइबर है सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस से जो एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस होगी एक्सट्रीम फाइबर की, ये है एक्सट्रीम फाइबर या फिर ये है एक्सट्रीम फाइबर, तो ये जो एक्सट्रीम फाइबर है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हम लोग वाई मैक्स लेते हैं, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 150 का आधा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइडल पॉइंट जो होता है उसके मिडिल में रहता है, तो इसका मिडिल क्या हो जाएगा 150/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 150/2 वाई मैक्स जगह पर लिख दिए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आई वाई वाई डैश क्या होगा, आई वाई वाई डैश आप निकालने चलो, तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि जिस एक्सिस के अबाउट अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस के पैरेलल साइड को आप एज इट इज लिखो
और यानी कि आई वाई एड्रेस आप निकालने चलो तो आपको निकालने वाला होगा क्या, जो एक्सिस केव आउट निकालना है, एक्सिस केव आउट निकालना है तो इसके पैरेलल साइड लिखो मल्टीप्लाइड बाय उसके जो परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर साइड ये साइड है उसका क्यूब लिखो, है ना, डिवाइडेड बाय क्या लिख दो 12। अगर मांग जाओ तो इसको बी लिखो, और इस बी नहीं, ये तो एक्चुअली देखने से डी लग रहा है, इसको डी लिखो। अगर इसको हम बी मान ले तो यहाँ से फार्मूला क्या बनता है, आई वाई वाई डैश का फार्मूला जो बनता वो बनता डी बी क्यू डिवाइडेड बाई 12। यही वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि ये टेक्निक है जल्दी जल्दी फाइंड करने का। स्टूडेंट्स बी डी और डी बी में कन्फ्यूज रहता है, डी कब होगा, बी कब होगा, बी कब होगा, डी कब होगा, किसका क्यों लिखे ना लिखे कंफ्यूज रहता है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि डी वो लिखना है, मतलब कि डी और बी में कुछ समझना ही नहीं है, समझना ही है कि किस एक्सिस के बाउंड को फाइंड करना है, है ना। और ये लगता है कि मैं चौथी बार पांचवीं बार बता रहा हूँ पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट में। तो ये जो है आई वाई वाई डैश के बाद फाइंड करना था, इसीलिए इसका पैरेलल साइड का लेंगे, इसका पहला साइड ले लिए और इसके जो परपेंडिकुलर साइड है उसका क्यूब ले लेंगे, चाहे बी हो चाहे डी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्यूब ले लिए डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई वाई डैश की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आई वाई डैश की वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाई 150 का क्यूब, है ना, और डिवाइडेड बाई 12। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है, तो सोल्व करो। सोल्व करने चलोगे तो आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा, चलो तो इसको मैं एक बार सुधार कर लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसको सुधार कर लिखे जाऊँ तो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, प्लस माइनस 450 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू क्या आएगा, अगर जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधे डायरेक्ट तो किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका यूनिट आने वाला है डायरेक्ट, है ना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नोन था, यहाँ पर मैं डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या हो जाए, 150 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 150, अब देखिए बटा में 2 है तो बटा में 2 वाला नीचे चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 150 का क्यू, है ना, और ये क्या है, ये 12 नीचे में था तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाई 12। इसको काटो, काटने चलोगे तो 26 आ 150 का क्यूब है तो ये ऊपर में 150 है तो ये कितना टाइम्स करेगा, स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, है ना, मतलब कि 150 का स्क्वायर टाइम्स ये कट जाएगा। और काटने चलो तो 25 से 4 टाइम्स इसको काट सकते हैं, है ना, तो और काटने चलो तो 2 और 3 टू जा 6 और 2 टू जा 6 होगा, 2 टू जा 4 होगा, तो बच गया क्या स्टूडेंट्स, मेरे पास बच रहा है इसको काटने चलो तो 2 2 2 5। कहने का मतलब मेरे पास बच गया 225 मल्टीप्लाइड बाय बच गया क्या स्टूडेंट्स, देखो 3 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय क्या बच गया, 150 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जस्ट लेट मी कैलकुलेट अबाउट दिस सेम मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जो वैल्यू आएगी वो जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0.03 आ रही है, 0.03 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.03 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस के कारण, इसेंट्रिसिटी ई एक्स के कारण, ठीक है। अब जो वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे इसेंट्रिसिटी ई वाई के कारण, है ना, तो इरेजर इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ये वैल्यू हुआ, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, ये क्या है इक्वेशन मेरा 2a, 2 तो ये था, ये मान लेते हैं 3 है, ठीक है। अब जो चौथा इक्वेशन है वो क्या होगा, अच्छा स्टूडेंट्स ये बात बताओ कि इसेंट्रिसिटी ई एक्स के कारण, क्या इसेंट्रिसिटी ई एक्स के कारण, इसेंट्रिसिटी ई एक्स के कारण किस फाइबर पर टेंशन आ रहा है, किस फाइबर पर कंप्रेशन आ रहा है, ई एक्स इसेंट्रिसिटी के कारण ये जो फाइबर होगा इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा कंप्रेशन, और ये जो फाइबर आएगा इस पर आएगा टेंशन। तो मतलब कि हम यहाँ से
क्या लिख सकते हैं इसमें, लिख सकते हैं क्या कंप्रेसिव ऑन किस हाइबर पर, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो क्या हो जाएगा ईएक्स एसेंट्रिसिटी के कारण सी बी जो फाइबर होगा वो क्या होगा उस पर कंप्रेसिव लोडिंग महसूस होगा एसेंट्रिसिटी ईएक्स के कारण, और ए डी जो फाइबर होगा उस पर टेंसाइल लोडिंग महसूस होगा, मतलब कि कंप्रेसिव ऑन किस पर सी एंड बी एंड टेंसाइल ऑन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेंसाइल ऑन हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल फोर एज ऑफ द पियर, तो एज क्या है, एक एज है, दूसरा एज है, तीसरा एज है, चौथा एज है, तो हर एक एज पर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, तो स्ट्रेस पर इसीलिए मैंने एज वाइज करके लिखा है। अगर कहता कि हर एक फेस पर निकाल के दिखाओ तो मैं क्या करता यहाँ पर सी बी फेस लिखता, लेकिन यहाँ पर एज लिखने के बारे में बात बोल रहा है, इसीलिए इसका जो इस बी पॉइंट पर एक्स के कारण जो ये जो स्ट्रेस आने वाला है वो क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, राइट, इधर आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा जैसे कि है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे क्या ऐसे किसको सोल्व किया जाए, तो बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई वाई के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो वो जो हो रहा है प्लस माइनस पी इंटू ई वाई और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी इंटू ई डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आई एक्स एक्स डैश इंटू वाई मैक्स। स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है आपको ये जो वैल्यू मिला है 0.03 का उसके साथ प्लस माइनस साइन रहेगा, प्लस जिसके साथ कंप्रेसिव रहेगा उसमें यूज करेंगे, माइनस जिसके साथ टेंसाइल रहेगा उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस आने यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस में ये आ रहा है। अब इसमें आप पुट करने चाहो तो इसमें आप अगर पुट करोगे तो आपको मिलने वाला है पी की वैल्यू 450 पुट करो, ई वाई की वैल्यू भी शुक्र से क्या है 25 सेंटीमीटर ही है, तो 450 इंटू 25 इंटू वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ई सेंट्रिसिटी हम ले रहे हैं, ये सेंट्रिसिटी ले रहे हैं, इसलिए वाई मैक्स वैल्यू ये फाइबर वाला होगा, और ये क्या हो जाएगा वाई मैक्स वैल्यू ये जो होगा वो क्या हो जाएगा 100/2 यानी कि 50, वाई मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 50, थोड़ा सा क्यूब कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश, मतलब कि आपको इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जब एक्स एक्स डैश के मोमेंट मतलब कि आई एक्स एक्स चाहिए तो क्या होगा, इसके पहले साइड लिखो 150 है मल्टीप्लाइड बाय इसके परपेंडिकुलर साइड लिखो 100 है, इसे क्यूब कर दो डिवाइड बाय 12 कर दो, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स, राइट, तो हम आई एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 का क्यूब है ना, 12 नीचे है तो 12 को ऊपर ले जाओ, हो गया भरा गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आएगा तो 25 ये कितना हो जाएगा 6 जा, और उसके अलावा 6 ये 6 है ये 12 कट जाएगा 2 जा। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है कैलकुलेट करने में आसानी होगा, इसको कैलकुलेट करने जाओ मतलब कि आपको मिल रहा है 450 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब ये मिल रहा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, 450 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्टूडेंट्स ये लो आ गया, तो आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू आया स्टूडेंट्स 0.045 आएगा, और ये जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स प्लस और माइनस साइन के साथ आएगा 0.045। ठीक है, प्लस और माइनस साइन के साथ आया गया 0.0545 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स देखो कि ui जो सेंट्रिसिटी है, ui सेंट्रिसिटी के कारण इस विशेष क्रॉस सेक्शन में कहाँ कहाँ कंप्रेशन होगा, कहाँ कहाँ टेंशन होगा। तो ui सेंट्रिसिटी मतलब कि ये सेंट्रिसिटी के कारण कहाँ कहाँ कंप्रेशन होगा, तो D और C जो पॉइंट होगा वहाँ पर कंप्रेसिव लोडिंग आएगा, और जो मेरा A और B पॉइंट होगा वहाँ पर टेंसाइल लोडिंग आएगा। कहने का मतलब ये हो गया, जब आप ये इसेंट्रिसिटी कंसीडर कर रहे हो तो ये जो फाइबर होगा वो कंप्रेशन में होगा और ये जो फाइबर होगा टेंशन में होगा। तो मैं यहाँ से बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या, कंप्रेसिव ऑन, क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव ऑन सी एंड डी, सी और डी पर यह कंप्रेसिव होगा। एंड टेंसाइल किस पर होगा, टेंसाइल जो होगा टेंसाइल ऑन ए और बी पर टेंसाइल होगा, ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये लिख दो, ठीक है। अब यहां से हमको ये पता है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो थ्रूआउट क्या होती है, कंप्रेसिव होती है, ठीक है। ये बात गांठ पार के रख लो, कभी भी डायरेक्ट स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो कंप्रेसिव होगी। और बात आती है थोड़ा सा टेंसाइल और कंप्रेसिव में, तो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस की बात आती है कि बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ टेंसाइल हो रहा है, कहाँ कंप्रेसिव हो रहा है। मैंने ये फाइंड कर लिया कि जो ईएक्स सेंट्रिसिटी के कारण बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ टेंसाइल है, कहाँ कहाँ कंप्रेसिव है। ईवाई के कारण भी मैंने फाइंड कर लिया कि कहाँ टेंसाइल है, कहाँ कंप्रेसिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अब ये वैल्यू मिल चुका है, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना सीखेंगे। नीचे इसका रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि कहाँ कंप्रेसिव होगा, कहाँ टेंसाइल होगा, ठीक है। अब हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस लिखते हैं, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा क्या हो जाएगा, सिग्मा आर, मतलब कि ये इक्वेशन जो हो गया ना, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको 4 मान लो, है ना, क्या मान लिए, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। नाव यहाँ लिखेंगे, नाव ये लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ, नाव फ्रॉम Now putting, क्या putting, putting the value of, क्या 2, 3, 4, 2, 3 and 4 in किसमें, equation 1 we get, हम लोग प्राप्त करते हैं क्या, कि जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस है सिग्मा आर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सिग्मा आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा आर की जो वैल्यू आप निकालने चलो, तो वो जो निकालने वाला है आपको सिग्मा आर जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी है ना प्लस माइनस सिग्मा बी ड्यू टू EX प्लस माइनस सिग्मा सिग्मा बी ड्यू टू ई वाई, यही चीज यहां पर लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिग्मा आर इक्वल्स टू सिग्मा डी प्लस माइनस, तो सिग्मा डी की वैल्यू क्या है, होती है आया हुआ स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से सिग्मा डी की जो वैल्यू आया हुआ है वो है 0.03, क्या हो गया स्टूडेंट्स 0.03 प्लस माइनस सिग्मा बी ड्यू टू एक्स, क्या है स्टूडेंट्स उसका भी वैल्यू है 0.03 प्लस माइनस सिग्मा बी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है इक्वेशन 4 से, वो आ रही है 0.045, ये सारा हो जाएगा क्या किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू है, कि रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है यही होने वाला है। अब ये रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है डिफरेंट पॉइंट पर चेंज कर जाएगा, कभी ए पॉइंट पर कुछ होगा, कभी बी पॉइंट पर कुछ होगा। तो हम लोग प्राप्त करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए, क्या ऑन ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पर रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए पॉइंट पर जो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू होगी हमेशा कंप्रेसिव होगी, तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू 0.03 लिख दीजिए। अब बात आती है कि जो मेरा ए पॉइंट पर ये जो वैल्यू है वो हम प्लस ले या फिर माइनस ले,
यानी कि एक पॉइंट पर इसेंट्रिसिटी ex के कारण आने वाला जो ये जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है या फिर टेंसाइल है। तो जस्ट जस्ट चले आओ कहाँ, चले आओ इक्वेशन नंबर थ्री में। देखो इक्वेशन नंबर थ्री में हम देख रहे हैं कि जो मेरा ex इसेंट्रिसिटी के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है पॉइंट ए पर वो क्या आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दरीज भाई और टेंसाइल साइन के लिए हम माइनस यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस यूज करेंगे और 0.03 आया होगा समझ में, क्या करेंगे माइनस लेंगे और 0.03 लेंगे, ठीक है। चूंकि 0.0 यानी कि ईएक्स सेंसिटिविटी के कारण पॉइंट ए पर टेंसाइल लोडिंग आ रहा था, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा था, दैट इज व्हाई मैंने इसको माइनस लिया, ठीक है। प्लस माइनस है, अब इसमें हम क्या लें, प्लस लें कि माइनस लें। तो पॉइंट ए पर इसेंट्रिसिटी वाई का क्या इफेक्ट है, तो पॉइंट ए पर इसेंट्रिसिटी वाई का जो इफेक्ट है वो भी टेंसाइल नेचर का है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या, यहाँ पर इक्वेशन नंबर चार में ऑलरेडी लिखा गया है टेंसाइल ऑन फेस ए एंड बी। तो ए पर क्या है, टेंसाइल है, इसका भी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव 0.045 लेंगे। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो लिखो कितना हो जाएगा, इसका जो कंप्लीट वैल्यू आने वाला है वो हो जाएगा -0.045। अगर साइन माइनस लगा हुआ है ये किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेंसाइल कहेंगे। क्यों, चूंकि इसका साइन क्या लगा हुआ है, निगेटिव, तो निगेटिव स्ट्रेस जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस ऑन ए समझ में आया स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स स्ट्रेस ऑन बी समझो, स्ट्रेस सिग्मा आर रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन पॉइंट बी, और वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस सब जगह सेम रहता है तो 0.03 हो जाएगा, है ना। हम सारा चीज इससे लिख रहे हैं, सिग्मा आर की वैल्यू से लिख रहे हैं। अब देखिए 0.0 यानी कि इसेंट्रिसिटी ड्यू टू ex के कारण पॉइंट बी पर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, पॉइंट बी पर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है ex के कारण वो टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, ये चेक करते हैं, उसी के अनुसार हम प्लस माइनस यूज करेंगे। अगर कंप्रेसिव रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, टेंसाइल रहेगा तो माइनस यूज करेंगे। अगर मान लीजिए ex को कंसिडर करना है तो ex कहाँ है, ex यहाँ है, और पॉइंट बी को देखना है, पॉइंट बी यहाँ है, तो ex सेंट्रिसिटी के कारण पॉइंट बी पर आने वाला जो स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव होगा। आप देख सकते हैं इसको कि ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस किस पर होगा, पॉइंट बी पर। तो इसीलिए हम लोग ex सेंट्रिसिटी के कारण आने वाला ये जो ले लेंगे ये प्लस लेंगे 0.03 का। अब बात आती है स्टूडेंट्स 0.03 लेने के बाद, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखो, हाँ, ये जो साइन है ये जो प्लस लेंगे या फिर माइनस लेंगे इसेंट्रिसिटी ई वाई के कारण, तो ई वाई इसेंट्रिसिटी के कारण पॉइंट बी पर जो आने वाला स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल होगा, और इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर -0.045, ठीक है। तो इसको जो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, कैलकुलेट करो, कहाँ गया कैलकुलेटर, कैलकुलेट करो ना सिंपली, 0.03 है, 0.03 दोनों ऐड हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, माइनस का 0.045, तो बचने वाला है 0.015 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे क्या है, ये मेरा है कंप्रेसिव नेचर होगा पॉइंट बी पर स्ट्रेस का, ठीक है। पॉइंट सी पर निकालते हैं, ए होगा बी हो गया, पॉइंट सिग्मा आर ऑन पॉइंट सी क्या हो जाएगा, सब जगह तो सेम ही होता है इसका नेचर, डायरेक्ट स्ट्रेस का नेचर 0.03। अब ये जो पॉइंट सी पर 0.03 प्लस में लिखे या फिर माइनस में लिखे, पॉइंट सी पर ईएक्स सेंसिटिविटी के कारण आने वाला जो स्ट्रेस है वो क्या है वो देखते हैं। ईएक्स सेंसिटिविटी ये है, इस पर आने वाला जो स्ट्रेस होगा इस पॉइंट इस विशेष फायर पर वो सारा कंप्रेसिव होगा, दैट इज व्हाई ये सी का जो होगा उसको हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस 0.03, है ना। अब देखिए इसेंट्रिसिटी ईएक्स के कारण जो पॉइंट सी पर आ रहा था उसको मैंने यहाँ पर लिखा, अब इसेंट्रिसिटी ई वाई के कारण पॉइंट सी पर क्या आ रहा है, तो इसेंट्रिसिटी ई वाई के कारण भी पॉइंट सी पर जो लोड आएगा वो कंप्रेसिव होगा, तो कंप्रेसिव नेचर का होगा, तो उसके लिए हम प्लस यूज कर देंगे 0.045। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.06, 0.045,
और तो ये हो गया पूरा मिला के आपको 0.1, कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, 4, 6, 10, 105 किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव नेचर का है इसलिए हम इसको भी कहेंगे ये कंप्रेसिव। ठीक है, अब जो है सिग्मा रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन पॉइंट डी, सिग्मा आर ऑन डी क्या हो जाएगा, उसके लिए भी 0.03 का जो स्ट्रेस है डायरेक्ट स्ट्रेस होगी वो तो सेम ही रहेगा। इसेंट्रिसिटी ई एक्स के कारण जो पॉइंट डी पर आने वाला स्ट्रेस होगा वो निगेटिव होगा, है ना, 0.03। और इसेंट्रिसिटी ई वाई के कारण जो पॉइंट इस पर डी पर आने वाला जो स्ट्रेस होगा वो पॉजिटिव होगा, वो हो गया 0.045 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.045, ये क्या हो जाएगा किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी कंप्रेसिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है कंप्रेसिव नेचर कैसे आया पॉइंट डी पर, एक बार और जान लो, जो पॉइंट डी पर डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा सेम होगा कंप्रेसिव होगा, और ई एक्स के कारण ई एक्स का इसेंट्रिसिटी के कारण पॉइंट डी पर आने वाला जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा, ई वाई इसेंट्रिसिटी के कारण जो पॉइंट डी पर आने वाला लोड होगा स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, इसलिए मैंने ई वाई वाला में प्लस लिखा और ई एक्स वाला में माइनस लिखा। ठीक है, तो ये सारा ये मेरा क्या है आंसर है, आपको फाइंड करना था पॉइंट ए पर स्ट्रेस क्या होगा, क्या होगा पॉइंट बी पर स्ट्रेस क्या होगा, पॉइंट सी पर क्या होगा, पॉइंट डी पर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे फाइंड किया, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आने वाले क्लासेस में हम चिमनी पर स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ये यूनिट मेरा खत्म हो जाएगा। तो चिमनी पर स्ट्रेस करते हुए उसका एक प्रॉब्लम करेंगे और जो मेरा जो ये यूनिट है टॉस का उसका इति अंत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक विशेष प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आखिरकार समझ तो गए ही हो, बना लो। तो इसको कैमरा रोलिंग से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको इसको। ओके, आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो।